हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे दर्शकों के प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों को हमने पिक किया है जिसका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि बालवित्री का नया प्रोमो क्यों नहीं आया और कब आएगा, आएगा भी या नहीं। बालवित्री में वंश यानी कि विवान है या नहीं है, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। वहीं बालपरी को लेकर भी कई सारे सवाल किए जा रहे हैं कि बालपरी है या नहीं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है, सब कुछ। तो इन्हीं बातों के बारे में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम प्रोमो की बात करें तो हमें कुछ ज्ञात ही नहीं कि ये चल क्या रहा है। मतलब देखिए, अभी बस 2 दिन बचा है बालवीर 3 के लॉन्च में, लेकिन अभी ना कोई प्रोमो है ना ही कोई प्रमोशन। गौरतलब हो कि हमने प्रीवियसली एक वीडियो बनाया था एक और परीलोक की कहानी, जिसमें बालवीर 3 और इसके अलावा कलर्स का एक नया शो बिकाबू के बारे में हमने आपको बताया था, जिसमें परीलोक की कहानी होने वाली है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, उसका लिंक ऊपर कार्ड से मिल जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। खैर, बात यह है कि बेकाबू भी उसी दिन से स्टार्ट हो रहा है जिस दिन से बालवीर 3 स्टार्ट होने वाला है, और वो भी वीकेंड पे, जबकि बेकाबू का प्रमोशन बहुत ही जोरों शोरों से चल रहे, कई सारे प्रोमोज, कई सारे एड्स आ रहे हैं, लेकिन बालवीर 3 का कुछ भी नहीं। सो संभव है मे बी कुछ न कुछ चल रहा, कुछ खिचड़ी पकड़ी हो, कोई स्ट्रेटजी हो, जिससे काफी सारे लोग तो खुश भी हैं लेकिन कई लोग नाराजगी भी जता रहे हैं। हम अपना विचार बताएं तो हमें ऐसा लगता है कि अगर यही प्रोमो को टीवी पे बार बार सर्कुलेट किया जा रहा है तो टीवी देखने वालों को तो पता चल जाएगा कि बालवीर 3 आ रहा है, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं जो सिर्फ ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन भरोसे सब कुछ ऑनलाइन पता चलता है, उनके लिए कम से कम अगर प्रॉपर प्रोमो नहीं लाना तो कम से कम प्रमोशन तो करो ढंग से। जिन्हें पता नहीं है कि बालवीर 3 आने वाला है, मतलब कब से आने वाला ये पता ना हो, उनके लिए न्यू प्रोमो तो लाया जाए। अगर स्टोरी छुपाना है तो कोई ऐसा प्रोमो ना लाया जाए जिसमें स्टोरी बताया जाए, बल्कि कैसे भी प्रमोशन करे, भले चाहे वो कैरेक्टर प्रोमो हो या फिर किसी भी तरीके से चैनल अपने अंदाज में सबका प्रमोशन करे, जिससे ये बताया जाए कि बालवीर 3 स्टार्ट होने वाले 18 तारीख से। छोड़िए सबको, जाने दीजिए। खैर, अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी बालवीर 3 का नया प्रोमो आ जाए तो आप ऐसा उम्मीद मत ही रखिए, क्योंकि जो सब टीवी लॉन्च डेट को 10 दिन पहले बताया है वो भी पुराने प्रोमो के साथ, तो उसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उम्मीद नहीं कीजिए, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए कि अगर अभी चैनल नया प्रोमो डाल ही देता है तो उससे क्या उखाड़ लेगा, क्या मिल जाएगा उन लोगों को? कुछ नहीं मिलेगा, बस फैंस को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा और यूट्यूबर्स को कंटेंट मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत ही प्रमोशन होगा। अच्छे से प्रमोशन के लिए पहले ही प्रोमो डालना चाहिए था, कई सारे प्रोमो लाने चाहिए थे। बाय द वे, विवान के बारे में बात करें तो विवान यानी कि वंश यानी बालवीर 3 में नहीं होने वाले हैं, और क्यों नहीं होने वाले इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। जब वो थे तब तो कई सारे लोग कह रहे थे क्यों है, एक ही बालवीर क्यों नहीं है, वंश यानी को हटाओ, और जब नहीं है तब वही लोग बोल रहे हैं कि वंश यानी क्यों नहीं है, विवान को लाओ, और इस बार विवान नहीं है। सो एक तरह से अच्छा ही, क्योंकि ओरिजिनल बालवीर पे ज्यादा फोकस किया जाएगा और स्टोरी भी अलग है। आप जो सोच रहे हैं उससे भी अलग है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे जब बालपरी के बारे में बताएंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि विवान इस सीजन में अभी नहीं है, आगे अगर लाना हो, अगर स्टोरी कनेक्ट करना हो लास्ट सीजन से तो लाया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तो सीजन 2 और सीजन 3 बिल्कुल अलग है। बालपरी की बात करें तो बालपरी तो इस सीजन में नहीं होने वाली है, जिसके बारे में उन्होंने खुद भी बताया था पहले, लेकिन इसके कारण की बात करें तो बालपरी ने खुद बताया है कि सोमवेगर्स ने उन्हें डायरेक्ट ऐसा कहा है कि इस सीजन में उनका कोई ऐसा महत्वपूर्ण रोल ही नहीं है, बालपरी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बालवीर का एंगल बिल्कुल अलग है, माँ बेटे का प्यार का एंगल नहीं दिखाया जा सकता। सो स्पेसिफिकली बालपरी का इस बार कोई रोल नहीं है बालवीर 3 में, और अगर आप ज्यादा डिमांड करते हैं कि सर मिली राज को बालवीर 3 में लाने के लिए, तो संभव है कि कोई नए कैरेक्टर में उन्हें वापस ले आया जाए। अगर बालपरी के बारे में और भी कुछ जानना हो कि बालवीर 3 में वो है नहीं है, क्यों नहीं है, कब आ सकती है, तो प्रिंस जी के चैनल पे शर्मिली राज यानी कि बालपरी का फुल ऑडियो इंटरव्यू आउट हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपको इस पे क्या धारणा है, क्या मानना है, आप कमेंट में लिखकर बताइए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। आईडी A to Z वर्जन लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।